हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यून फिजिक्स रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग दोस्तों पढ़ा था 1 फेराड कैपेसिटेंस पढ़ा था। क्या पढ़ा था दोस्तों? 1 फेराड कैपेसिटेंस पढ़ा था, जिसे हमने पढ़ते पढ़ते यूं ही ऐसा मतलब पढ़ा था जो काफ़ी अच्छा लगा था और पढ़ते पढ़ते याद ही हो गया था। इस तरीके से हमने आपको पढ़ाया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंडेंसर के बारे में। कंडेंसर को ही हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कैपेसिटर। तो आइए इसको देखते हैं। लिखेगा स्टार मार के कैपेसिटर, या इसी को कंडेंसर बोलते हैं। दोस्तों देखिए होता क्या है, कहता है इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। क्या होता है दोस्तों? कैपेसिटर या कंडेंसर बोलते हैं इसी को। इसको कहेंगे इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच हैज कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज, स्टोर द चार्ज, देन इट इज कॉल्ड देन इट इज कॉल्ड कैपेसिटर या कंडेंसर। देखिए दोस्तों ये कहता है कैपेसिटर या कंडेंसर। तो इसका मैं एक फिगर बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे देखेंगे ये ऐसे होता है दोस्तों। इसमें दो लगे होते हैं, जिसमें से ऐसे करके ये वायर निकला होता है। इसको बोल सकते हैं ऐसे वायर, और ये क्या होता है? भरा होता है, इसमें चार्ज भरा होता है। इसी को हम लोग कंडेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कंडेंसर बोलते हैं। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इसमें जो होता है इसके अंदर क्या भरा होता है? चार्ज भरा होता है। क्या भरा है दोस्तों? चार्ज भरा होता है। तो ध्यान से समझिएगा, कहता है कैपेसिटर या कंडेंसर। तो हम लोग इसे, ये जो है ये होता है एक तरह का इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल यंत्र होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल यंत्र होता है, जिसमें क्या भरा होता है, मतलब इसमें एक क्षमता होती है। तो भाई क्या चीज का क्षमता होता है? तो इसमें क्षमता होती है क्या चीज को? चार्ज को या इलेक्ट्रॉन को स्टोर करने की क्षमता होती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंडेंसर या कैपेसिटर कहते हैं। जैसे दोस्तों आपने पंखा देखा होगा, तो पंखा का ऊपर का जो ढक्कन होता है, जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर के ऊपर का ढक्कन ऐसे हटाते हैं तो हमें ये दिखता है, इसके नोक दिखाई देता है, इसका नोक ही दिखाई देता है। तो उसको जब ढक्कन को ऐसे हटाएंगे ऊपर की तरफ, तो उसमें एक व्हाइट कलर का, इतना ही मोटा सा आपको दिखाई देगा, जो लगभग मानिए ना वो अंगुल इतना बड़ा होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंडेंसर बोलते हैं। तो उसका काम ये होता है, जब भी पंखा में पावर सप्लाई जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है कंडेंसर, वो पावर को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और पंखा को जरूरत पड़ने पे वो देता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंडेंसर या कैपेसिटर। उसका मेनली रूप से ये कार्य होता है चार्ज को स्टोर करके रखना और पंखा को देना, ये काम होता है इसका। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ आ रहा होगा। इसके आगे हम, ये जो है कैपेसिटर, अब देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, ये देखते हैं।
लिखेंगे स्टार मार के, ठीक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर या ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए क्या होता है, जैसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन का मीन्स होता है जैसे एक को अपने साथ साथ एक या अधिक को अपने साथ क्या करना, जोड़ना, उसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन। तो यहाँ किसको जोड़ेंगे, तो कैपेसिटर को जोड़ेंगे। तो इसका डेफिनेशन देखिए क्या कहता है, कहता है व्हेन टू और मोर देन, व्हेन टू और मोर देन टू कैपेसिटर, व्हेन टू और मोर देन, व्हेन टू और मोर देन टू कैपेसिटर या कंडेंसर, व्हेन टू और मोर देन टू कैपेसिटर या कंडेंसर आर कनेक्टेड टुगेदर, व्हेन टू और मोर देन टू कैपेसिटर या कंडेंसर आर कनेक्टेड टुगेदर देन इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखिएगा दोस्तों, समझिए, कहता है जब दो या दो से अधिक, क्या कहता है, जब दो या दो से अधिक कंडेंसर या कैपेसिटर को हम लोग कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो इसी कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर या ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। मतलब हुआ, जब हम दो या दो से अधिक कैपेसिटर को या कंडेंसर को कनेक्ट करते हैं, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। तो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होगा। अब कॉम्बिनेशन या और कैपेसिटर जो होते हैं दोस्तों, वो दो पार्टें बढ़ते हैं। कितने पार्टें बढ़ते हैं, दो पार्ट। बताइए दो पार्ट होता क्या है। तो इसको एक हेडिंग बनाएंगे, लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो एक में आता है दोस्तों, कहता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। नंबर दो में आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। क्या था दोस्तों, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आता है। तो हमने अभी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होता क्या है वो देख लिए। अब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो होता है, दो पार्टें बटा था। तो दो पार्ट कौन कौन सा था, एक था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और दूसरा में था पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो आपको दोनों पॉइंट्स हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों अगर ये चैनल से आपको फायदा पहुंचता है और समझ में आ रहा है, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।